नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2020 का मैच नंबर 15 खेला गया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जहां पर दोस्तों टॉस जीतकर स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफ़ी हद तक सही भी था। आबू धाबी के स्लो विकेट पर आप पहले बल्लेबाजी करके एक अच्छा टोटल लगाना चाहते हो, और स्मिथ की भी यही सोच थी, जहां पर उन्होंने एक बदलाव किया, अंकित राजपूत को बाहर किया और महिपाल लोमरोर को एंट्री कराई, जहां पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करी स्टीव स्मिथ और जॉस बटलर ने, जहां पर दोस्तों शुरुआत काफ़ी ख़राब रही राजस्थान रॉयल्स के लिए, और केवल 31 रन पर रॉयल्स ने अपने टॉप थ्री, जिन पर इतना डिपेंड करते हैं वो लोग, तो ये टॉप थ्री जो है वो डगआउट में बैठे थे। और पावर प्ले में आरसीबी ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया था, जहां पर नवदीप सैनी, इसुरु डाना और संजू यूजी चहल ने पावर प्ले में अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। इसके बाद दोस्तों उथप्पा और लोमरोर के बीच में एक साझेदारी हुई, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम मिला, लेकिन महज 17 रन के स्कोर पर उथप्पा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद रियान पराग और लोमरोर के बीच में एक साझेदारी हुई और लोमरोर ने सबसे ज़्यादा 47 रन बनाए। और अंत में दोस्तों राहुल तेवतिया और जोफ्रा आर्चर ने अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया, और दोस्तों राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में बनाए 154 रन। इसके बाद दोस्तों आरसीबी की तरफ से एरॉन फिंच और देवदत्त पाडिकल ने पारी की शुरुआत की, जहां पर पावर प्ले में आरसीबी ने बनाए 50 रन, और दोस्तों एक विकेट भी उन्होंने एरॉन फिंच के रूप में खोया, जहां पर एक अच्छी शुरुआत ये हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप 155 रनों के टारगेट का पीछा कर रहे हो और आपको पावर प्ले में एक विकेट खोकर 50 रन बन जाते हैं तो आप खुश होते हो। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और पाडिकल ने एक पार्टनरशिप की, जहां पर पाडिकल ने लगाई इस आईपीएल की अपनी तीसरी 50। और दोस्तों इसके अलावा विराट कोहली, जिनके फॉर्म को लेकर काफ़ी बात हो रही थी कि तीन मैचों में कोहली फ्लॉप रहे हैं, लेकिन इस मैच में कोहली ने अपनी क्लास दिखाई, और जब लंबी छलांग लगानी होती है तो कभी कभी दो तीन कदम पीछे लेना होता है, और विराट के लिए शुरुआती तीन मैच बिल्कुल वैसे ही थे, जहां पर चौथे मैच में कोहली ने लंबी छलांग लगाई और बता दिया कि क्यों उनको चेज मास्टर कहा जाता है। अब दोस्तों आने वाले मैचों में हमें विराट कोहली का एक अलग रूप देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट वो नजर आएंगे बल्लेबाजी में, और इसका फायदा दोस्तों आरसीबी को होगा, क्योंकि ओपनर्स फॉर्म में है, एबी डिविलियर्स फॉर्म में है, इसके अलावा विराट भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो दोस्तों पार्टिकल के 63 और कोहली के 72 रनों की बदौलत ये मैच अपने नाम किया आरसीबी ने, और दोस्तों आरसीबी के लिए इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती, जहां पर उन्होंने अपने 4 में से 3 मैच जीत लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबले भी इसी तरह से जीत के साथ खत्म होंगे। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।